मेरे चैनल स्पाइसी किड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंस्टेंट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। ये पैकेट को हम खोल देते हैं। ये मार्केट का रेडी पैकेट है। इस मिक्सर को हम बाउल में निकाल देते हैं। इसे गूंथने के लिए हमने हाफ कप दूध लिया है। इसकी जगह आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करें। इस तरह हमने डो रेडी कर लिया है। इतना डो रेडी करने में हमको हाफ कप से भी इतना दूध बच गया है। हाथों को थोड़ा घी से चिकना कर लें। डो को अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लें। डो को तब तक मसलना है जब तक ये अच्छे से चिकना नहीं हो जाए। डो को हमको चपाती जैसा रखना है। डो को ढक्कन लगा के 10 मिनट तक रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और चाशनी रेडी करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करें। गैस पर एक पतीला चढ़ाएं। 3 बाउल हम पानी ऐड करेंगे। ये दूसरा बाउल डालेंगे और ये 3 बाउल पानी हो गया। उसी बाउल से हमने 3 बाउल चीनी ली है। अगर वजन में आप नापो तो ये 700 से 800 ग्राम चीनी है। जितनी हमने चीनी ली है उसी मात्रा में हमको पानी ऐड करना है। चाशनी को हमको चीनी घुलने तक पकाना है। ये हम चाशनी में 3 से 4 इलायची कूट के डाल देंगे। चाशनी को लगातार हिलाते हुए पकाएं। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। अभी इसको हमको 1 से 2 मिनट और पकाना है। इसमें हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जस्ट चीनी उबलने तक हमें इसको पकाना है। चाशनी पर थोड़ी सी चिपचिपी लगने लगे तब तक हमको इसको उबालना है। तो फ्रेंड्स, चाशनी हमारी बनके रेडी है। गैस की फ्लेम हम बंद करते हैं। चाशनी को उतार कर हम स्टैंड पर रख देते हैं। चाशनी को ढक्कन से कवर कर दें ताकि हमारी चाशनी गर्म रहे। अब हमारा डो चेक कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसे तोड़ के रख देते हैं। डो से 25 से 30 गुलाब जामुन बनके रेडी होंगे। हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर हाथों से मसल मसल कर अच्छे से गोली बनाएं। फ्रेंड्स, गोली बनाते समय इतना याद रखें कि इसमें कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो तलते हुए ये फट सकती है। गोली को इस तरह हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये सभी गोलियां रेडी कर दी है। तो अब हम चलते हैं गैस की फ्लेम ऑन करें। कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएं। तो फ्रेंड, 250 ग्राम हमने देसी घी लिया है। फ्रेंड्स, घी को हमको मीडियम आंच पे गरम करना है। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिफर करती हूँ कि आप घी का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि कोई भी मिठाई घी में ज़्यादा टेस्टी लगती है। आटे का छोटा सा टुकड़ा डालकर हम चेक कर लेते हैं घी हमारा गर्म हुआ कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे की लोई ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारा घी गर्म हो गया है। देखिए, गोली को घी में डालें। एक साथ ज़्यादा गोली नहीं डालें, 5 से 6 गोली ही डालें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो घी हमारा ठंडा हो जाएगा, गोली अच्छे से तलाएगी नहीं। और करछी की सहायता से हमको घी को हिलाना है। गोली को टच नहीं करना है, ओनली फॉर घी को हिलाएं। घी को अच्छे से हिलाते रहे। नीचे से थोड़ा पक जाने के बाद ही हमें इसको पलटना है। गुलाब जामुन हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब इसको हम पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। गोलियां अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, निकाल लेते हैं। इस तरह एक एक करके सारी गोलियां हम और फ्राई कर लेते हैं। चाशनी पे हमने ढक्कन लगा रखा था। चाशनी हमारी अभी तक गर्म है। 5 मिनट रुकने के बाद चाशनी में हम गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे।
फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गुलाब जामुन की गोलियाँ एक भी फटी नहीं है, देखिए कैसी फूली फूली बनी है। तो आप भी हाथों से अच्छे से मैश करके इस तरह से गोलियाँ बनाएं ताकि आपके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे बने। तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन को चाशनी में एक घंटे तक डुबो के रखें ताकि गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो फ्रेंड्स हम गुलाब जामुन को ढक्कन लगा कर एक घंटे तक रख देते हैं। तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन को एक घंटा हो गया है, अब हम सर्व कर लेते हैं। अब हम पिस्ते की कतरन से इसको गार्निश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स गुलाब जामुन कितना टेस्टी बना है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।